सो हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं गांव से 80 किलोमीटर दूर अंबिकापुर। सो ट्रैक्टर से जा रहा हूं मैं। इधर देख सकते हैं, ये ट्रैक्टर में हूं अभी। तो कहना चाहिए कि घर से तो निकल गए, तो अभी और एक पीछे में एक ट्रैक्टर है। सो वहाँ पर काम करने के लिए जा रहे हैं, मिट्टी ढोने का काम है ट्रैक्टर से। सो अभी तो हम लोग निकल गए हैं, आधे रास्ते में हैं। तो अभी देख सकते हैं इधर पीछे साइड में रास्ते पे हैं। तो अभी चलिए चलते हैं। कहना चाहिए कि हम लोग अभी जजगा पहुंच गए हैं। यहाँ पे इधर देख सकते हैं मेन रोड है, और इधर हम लोग खड़े हैं, और ये गाड़ी वो सामने साइड में है, वहाँ पे सामने साइड में है, और यही वाला है। तो अभी करीबन और कितना किलोमीटर बाकी होगा? होगा 30-40 किलोमीटर और बाकी है। सो अभी जाना है, तो यहाँ पर वेट करने के लिए बोले हैं कोई हम लोग के साथ में जाएगा, जो काम लगवाया है शायद वही जाएगा हम लोग के साथ में। तो अभी चलिए उसको वेट कर लेते हैं, उसके बाद में फिर चलेंगे आगे। A few moments later. ये वाला गाड़ी का डीजल जस्ट खत्म हो गया, तो हम लोग भी डीजल भरवा लेते हैं अभी। ये वाला गाड़ी जैसे तैसे पहुंचा है, अब आधा किलोमीटर से डीजल खत्म हो गया था इसका ना भाई, पंप मार मार के पहुंचा है। हाँ यार बहुत। और इधर ये देख सकते हैं अंकित भाई, यहाँ पे काम करता है ये भाई है, और इधर अपना गाड़ी है। तो अभी इसमें कितना का? 500 में पहुंच जाएगा। वहाँ से जाने के बाद डीजल तो देने करेंगे। सो गाइस, यहाँ पे ये विकास का डला रहा है डीजल, हो गया। जाली लगा है, जाली धीरे धीरे डालना। अरे रुपी रुपी पैसा नहीं मांग रहा। सो हो गया इतना डीजल। सो चलिए गाड़ी हटा लें कि जा रहे हैं छुट्टी? नाइट में रुका था, तो क्या फिर नाइट जाना था, फिर घूम रहे थे, बाल वाल कटा कर सैलरी मिला तो जा रहे हैं। सैलरी कितना मिला? 4000 मिला। एक
दबाव चलते करते यार, हम 9 दिन आवे नहीं किया था। अरे लेडीज लोग भी काम करते हैं क्या यहाँ? अच्छा न्यू स्टूडेंट, चलो चलो सर। सो गाइस अभी अंकित भाई को यहीं से बाय करते हैं, चलो चलो बाय। सो गाइस वहाँ पेट्रोल टंकी में क्या हुआ कि व्लॉगिंग कर रहा था तो पैसा देने के लिए मैं भूल गया। उसके बाद में फिर अंकित भाई आया, फिर बोला कि अरे मतलब ब्लॉगिंग करते करते पैसा देना ही भूल गए, तो फिर मैं बाद में अभी दिया उसके बाद में। तो अभी चलिए और करीबन 20 किलोमीटर और बाकी है। सो गाइस अंबिकापुर पहुंच गया और इधर ये गाड़ी है और एक उधर है, वो पीछे विकास का गाड़ी है। सो अभी यहाँ पे मतलब कि फर्स्ट लोडिंग गया था मैं, वहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, मैं बोल गया वहाँ का ब्लॉगिंग बनाने के लिए। तो जेसीबी से लोडिंग हो रहा है होने के लिए, सो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये फर्स्ट लोडिंग आ गया मेरा और इधर मतलब कि ये घर को भाटना है, तो यही काम के लिए मतलब कि हम लोग को 80 किलोमीटर से बुलाए हैं। ठीक है, अगर अच्छा काम चलता है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर अगर अपने को नहीं पड़वाता है तो फिर चले जाएँगे। सो अभी यहाँ पे देख सकते हैं मतलब कि अभी तो हम लोग का गाड़ी खड़ा है, ऐसे खड़ा नहीं रहना चाहिए। इधर गाड़ी खड़ा है अपना और एक विकास वाला गाड़ी उधर खड़ा है, और ये दोनों जने का फर्स्ट लोडिंग है। और इधर वो वहाँ तक भाटना है, इधर दो जने मिट्टी फैलाने के लिए हैं और हम लोग का गाड़ी खड़ा है। विकास ऐसे में कोई मुनाफा है क्या है? ऐसे में कोई मुनाफा है? क्या करना चाहिए? क्या कर सकते हैं, आए हैं तो देखते हैं, शाम टाइम बताते हैं, है ना। तो गाइस शाम तक हम लोग देखते हैं मतलब कि जो भी जैसा भी होता है, अपने को ठीक लगता है तो फिर ठीक है, और अगर नहीं तो फिर नहीं बोल देंगे, सीधी सी बात है। हम लोग भी बहुत गाड़ी चलाए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चलाए हैं, जेसीबी लोडिंग ही चलाए हैं ट्रैक्टर, लेकिन दिन भर में मतलब कम से कम नहीं, फिर भी कितना मार देते थे उधर, 50-60 ट्रिप से ऊपर ही जाता था ना, 50-60 ट्रिप से ऊपर ही जाता था। यहाँ पे ऐसा रास्ता भी एक तो ख़राब है और ऊपर से यहाँ पे आने के बाद गाड़ी खड़ा रहेगा तो फिर कैसे चलेगा। देखते हैं आगे क्या होता है, शाम तक पता चल जाएगा। सुबह कैसे देख सकते हैं इधर रास्ता ख़राब है, तभी मैं लोडिंग लेने जा रहा हूँ और इधर का रास्ता देखते हैं कैसे एकदम ख़राब है। ये देखिए, सो गाइस इधर देख सकते हैं कैसे मतलब जेसीबी लोडिंग चल रहा है अंबिकापुर में। अभी ये जेसीबी लोडिंग कर रहा है, इधर का सीन ऐसा कुछ है, जो वो वाला विकास का ट्रैक्टर आ रहा है और ये मेरा लोडिंग हो रहा है। इधर देख सकते हैं कैसे यहाँ कुछ इस तरह का दिख रहा है। सो इधर कुछ इस तरह की खुदाई हो रहा है, मजा आ रहा है। कितना? कितना मतलब 500-500 का डलाने बोले हैं, मतलब दोनों गाड़ी के लिए 500-500। सो गाइस अभी चलिए अपना तीसरा ट्रिप होने जा रहा है, चलिए इधर देख सकते हैं पीछे गाड़ी आ रहा है वो विकास वाला, चलिए चलते हैं और लोडिंग करने। दो ट्रिप तो ले गए और ये तीसरा ट्रिप है।
जा रहे हैं। तो ऐसे होते हैं जेसीबी ड्राइवर। हम लोग को क्या बोले वहाँ पे कि जाओ एक एक ट्रिप लेके आना, उसके बाद में लंच ब्रेक रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए अभी ये लोग पहले ही चले गए खाना खाने के लिए, और हम लोग को यहाँ पे मतलब कि लोडिंग के लिए भेज दिए और वो लोग खुद चले गए खाना खाने। क्या है ये समस्या है यार। अभी उनके खाना खाने का वेट करेंगे। अभी देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया। क्या हो गया कि हम लोग जेसीबी लोडिंग कर रहे थे, तो वो जेसीबी वाले कहना चाहिए कि जो ज़मीन है, जो ज़मीन को खोद रहे हैं, वो ज़मीन का मालिक को वो लोग पूछे नहीं थे, बिना पूछे वो लोग खोद रहे थे, बिना पूछे मतलब लोडिंग दे रहे थे। तो अभी ज़मीन का मालिक आया और फिर मतलब गुस्सा कर रहा था, और गाड़ी का फोटो वोटो मतलब जितना गाड़ी था वो पीछे में का और गाड़ी है वो सबका फ़ोटो वोटो निकाल के रखा है। तो हम लोग अभी कहना चाहिए कि वहाँ से वापस जा रहे हैं, खाली गाड़ी देख सकते हैं, यहाँ तीन गाड़ी साथ में जा रहे हैं, एक गाड़ी आगे चला गया, तो उसमें हम लोग का क्या कसूर है भाई। हम लोग तो आए थे, फिर तो कहना चाहिए जैसे भी लोडिंग बुलाए तो आए थे, फिर लोडिंग किया तो हम लोग लोडिंग कर रहे थे। लेकिन हमें तो जैसे भी वालों को मतलब कि वो चीज़ को पूछना चाहिए कि मतलब किसका ज़मीन है, तो ज़मीन मालिक को पूछ के लोडिंग देना चाहिए या किसी का ज़मीन को तोड़ना चाहिए। तो अभी चलिए चलते हैं। तो गैस दिक्कत हो गया, ज़मीन मालिक कोई और निकला और जिसका ज़मीन था वो गायब। तो अभी मतलब कि कोड़ने के लिए नहीं दे रहे हैं ज़मीन को, जो ज़मीन कोड़ रहे थे वो किसी और का ज़मीन था। पता नहीं वो लोग बात किए थे कि नहीं किए थे ज़मीन मालिक से, और बिना पूछे शायद ज़मीन को कोड़ रहे थे, तो इसके वजह से मतलब ज़मीन मालिक आया और मतलब बोला कि यहाँ क्यों कोड़ रहे हो, मतलब किसने बोला है कोड़ने के लिए, कौन बोला है कोड़ने के लिए, ये सब बोल के सुना रहा था। तो हम लोग बोले कि हम लोग तो कुछ इसमें पता ही नहीं है हम लोग को, हम लोग को बोले कि नहीं लोडिंग गाड़ी का लोडिंग चल रहा है तो आ जाओ तो काम करने के लिए। तो हम लोग आ गए, सो हम लोग सीधा गांव से आए, सॉरी सीधा आए, उसके बाद में डायरेक्ट लोडिंग के लिए ही चले गए। उसके बाद में फिर दो ट्रिप मारे, उतना में ही मतलब कि आप लोग आए, फिर बोल रहे हैं कि नहीं यहाँ पे मेरा ज़मीन है तो मेरे से पूछे ही नहीं है। तो इसलिए मतलब वैसे ही बोले कि अभी हम लोग को तो कुछ मालूम नहीं है, सो जेसीबी वालों से आप लोग बात कर लीजिए, या तो फिर बोलिए जेसीबी वाले को कि कौन यहाँ पे मतलब कि तुम लोग को जगह दिखाया यहाँ का कोड़ना है बोल के। तो वैसे ऐसे ही बोले, तो फिर बाद में ज़मीन मालिक शायद फ़ोटो उटो हम लोग का ट्रैक्टर का कहना चाहिए कि ये दोनों ट्रैक्टर का और दो तीन ट्रैक्टर था वो सबका फ़ोटो उटो खींच रहा था, और उसके बाद में फिर किसी से बात कर रहा था, तो हम लोग को अच्छा नहीं लगा। तो फिर हम लोग सीधा आ गए जहाँ पे यहाँ पे मिट्टी भाट रहे हैं, वहाँ पे ये पीछे में देख सकते हैं यहीं पे मिट्टी भाट रहे हैं, तो यहीं पे आ गए और हम लोग का गाड़ी इधर दोनों गाड़ी को इधर खड़ा कर दिए हैं। अब पता नहीं क्या होगा आज, अभी वैसे भी टाइम हो रहा है 4 बज गया, करेक्ट 4 हो रहा है, दो ही ट्रिप मारे हैं गाँव से सीधा आए, टाइम लग गया आने आने आते आते, और सुबह से खाना एक ही बार खाए थे वही खाया हुआ अभी तक है, अभी पता नहीं लोडिंग होगा कि नहीं होगा। सो गाइस बात क्लियर हो गया कि मतलब लोडिंग के लिए ले आओ बोल रहे हैं, अभी मतलब दूसरे का ज़मीन को कोड़ दे रहे थे ना, वो मतलब पहचान नहीं पाए कि कौन सा ज़मीन है, तो इसके लिए मिस्टेक हो गया था, इसलिए अभी जा रहे हैं लोडिंग के लिए बुलाए हैं। कैसे है भाई विकास? तो अभी मेरा गाड़ी इधर है, विकास का गाड़ी इधर है, सो चलिए चलते हैं अभी लोडिंग के लिए। तो गाइस उस टाइम कहना चाहिए कि वो उधर का मतलब कोड़ रहे थे, उधर का लोडिंग चल रहा था, तो अभी यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे लोडिंग चल रहा है नीचे का, तो वहाँ पे उस टाइम चल रहा था लोडिंग, तो वहाँ का मना कर दिए ज़मीन मालिक लोग, तो यहाँ पे लोडिंग चल रहा है और मेरा गाड़ी यहाँ पे है देख सकते हैं। तो अभी चलिए, मतलब हम लोग का तो काम चलते रहेगा, सो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो गाइस आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, सो आई होप कि ये वीडियो ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।